हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक बैक ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो ब्लाउज की जो लंबाई रखी है 13.5 इंच है, इसकी चौड़ाई 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की भी 5.5 इंच ही रखे हैं। अब गले की चौड़ाई में 2.5 इंच 2.5 इंच रख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 पे मार्क कर सकते हैं। नीचे की साइड से 3 इंच पे मार्क कर देंगे, दोनों मार्किंग को बिल्कुल बराबर करते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर दी। गले की लेंथ लेंगे तो गले की लेंथ आप पे डिपेंड करती है, आप कितना रखना चाहते हैं। मैं 10 इंच रख रही हूँ, 10 इंच के बराबर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ से मैं गले की डिज़ाइन का मार्क करूँगी, तो मैं मटका शेप में गले की मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरीके से गले की मार्किंग कर लीजिए, जैसे मार्क किए से मार्क के ऊपर से कटिंग कर देंगे गले की पूरी। तो आज तक मैंने गले को कट कर दिया। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेंगे, इसकी भी कटिंग सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का किया है। ये देखिए मेन फैब्रिक पे भी गले की कटिंग हो चुकी है, दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे एक दूसरे के साथ में। और गले पे सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे, तो क्लियर वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरीके से दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच करती हूँ, पूरा सिलाई लगा दीजिएगा। अब इसके गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे, कट लगाने से एक प्रॉफिट रहता है। जब गले को आप पलट कर सीधा करते हैं तो डिज़ाइन इस बिल्कुल बराबर एंड सेफ साइज बिल्कुल इक्वल आती है जिसे आप बना रखे हैं। अब इसको कट लगाने के बाद पलट कर सीधा कर देंगे, इसके गले पे एक सिलाई लगा के इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे, इससे गले की डिज़ाइन उभर कर दिखने लगेगी। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली ये फिनिशिंग दे दिया है गले की। अब ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे, अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को, अस्तर और ब्लाउज के फैब्रिक दोनों को अटैच कर दीजिएगा एक साथ में ही। तो मैंने देखिए ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली करते हुए एक दूसरे के साथ में इनको अटैच कर दिया है। नीचे की साइड इसके टक्स लगाएंगे, तो माप ले लेंगे बराबर में और माप लेते हुए दोनों साइड से इक्वली आपको टक्स को स्टिच करना है। तो एक साइड से मैंने ये टक्स लगा लिया, दूसरे साइड से माप लेंगे और बराबर में बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करते टक्स को स्टिच कर लीजिएगा। ये दोनों साइड का मैंने टक्स बना के आपको दिखा दिया है। अब इसके नीचे के साइड से बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के लिए मैंने अलग से ये फैब्रिक लिया है। ये पट्टी को बिल्कुल बराबर नीचे की साइड से आपको रखना है और ब्लाउज के साथ में सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है। तो मैंने देखिए इसको ब्लाउज के साथ में कम्प्लीटली अटैच कर दिया है। अब इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे, इससे पट्टी बिल्कुल बराबर में अटैच हो जाएगी। अब जो पट्टी मैंने अटैच की इसको डबल फोल्ड करेंगे, ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे फोल्डिंग करते हुए, फिर सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे से स्टिच करके नीचे का बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए कम्प्लीटली नीचे का बॉर्डर ब्लाउज में बन चुका है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे मैंने बनाया। अब ब्लाउज को साइड रखेंगे और गले पे आपको डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो डिज़ाइन पहले करने के लिए मैंने एक पट्टी कट की है, इस पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है वो देख लीजिए, 2 इंच के बराबर में लंबाई इसकी मैंने देखी है, 18.5 इंच 18.5 इंच है। अब इसको जो है ब्लाउज के फैब्रिक के साथ बिल्कुल बराबर रखना है आपको, फिर सिलाई लगाते हैं दोनों साइड से इसको स्टिच कर लेना है। क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक साइड से स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड से भी सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से स्टिच करने के बाद इसको पलट कर सीधा करेंगे, तो एक साइड से प्रेस करते हुए इसको दूसरे साइड से पलट कर सीधा कर लेंगे निकाल कर। ये देखिए सीधा हो चुका है, हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे फिर दोनों साइड इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो एक साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड से भी सिलाई लगाते इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। ये मैंने पट्टी आपको बना के दिखा दिया, सिलने के बाद 1 इंच की चौड़ाई इसकी रहनी चाहिए। अब मैंने एक फैब्रिक कट के स्ट्रेच वाले क्रॉस में कटिंग की, इसको डबल फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ में अटैच करके पूरा सिलाई लगा देंगे। ये मैंने देखिए पाइपिंग की पट्टी पूरी बना ली है। अब इसको साइड रखना है, आपको ब्लाउज लेना है और ब्लाउज के गले पहले ही पट्टी बिल्कुल बराबर रखते हुए अटैच कर देंगे।
ये देखिए मैंने पट्टी को बिल्कुल बराबर अटैच कर दिया। राउंड करते हुए बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाइएगा और पाइपिंग के ऊपर से सिलाई लगाते हुए पूरी फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग को अच्छे से स्टिच कीजिएगा। ये देख लीजिए कम्प्लीटली गले पे पाइपिंग मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब इस पे जो है डिज़ाइन करना है, इसको पहले साइड रखेंगे और मैंने जो पट्टी बनाई थी उसके दोनों साइड से भी पाइपिंग कर लेंगे। देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, पहले इसके साइड साइड से अटैच करना है पट्टियों को, फिर राउंड करते पतली सी पाइपिंग बनानी है, फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। एक साइड से पाइपिंग बना के दिखा दे, दूसरी साइड से भी सेम बना लीजिएगा। तो दोनों साइड से बन चुकी, इसको साइड रखेंगे। और डिज़ाइन करने के लिए मैंने कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट की, इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने देखी 3 इंच के बराबर में रखा है। इनको 4 पार्ट क्रॉसिंग में आपको फोल्ड करना है, फिर इसको नीचे की साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है डिज़ाइन को। ऐसे में आपको इसके कुछ डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ, और सारे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बना लीजिएगा जितने डिज़ाइन आपको यूज़ करने हो बनाने में। इसी तरीके से मैंने पूरे डिज़ाइन बना लिया, थ्रेड को कट करते हुए अलग अलग कर देंगे और जो डिज़ाइन इसको साइड रखेंगे। ब्लाउज ले लेते हैं और ब्लाउज के गले पे डिज़ाइनों को बिल्कुल बराबर करते अटैच करना है। तो डिज़ाइन भी ले लिया, आप देख लीजिए मैं बीच में जो 1/2 इंच की गैपिंग रख रही हूँ गले में, फिर डिज़ाइन को अटैच कर रही हूँ। गैपिंग इक्वल ही होना चाहिए पूरे गले पे, और इक्वली डिज़ाइन को बराबर रखते हुए अटैच भी कीजिएगा। तो मैंने ये देख लीजिए कम्प्लीटली पूरे गले पे आपको डिज़ाइन को भी स्टिच करते हुए दिखा दिया है। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ से लेस यूज़ करूँगी, तो लेस ले लिया है। बिल्कुल डिज़ाइन के ऊपर बराबर रख लीजिएगा और सिलाई लगाते हुए अच्छे से लेस को भी जहाँ वहीं से स्टिच कीजिए जहाँ से डिज़ाइन को अटैच किया है। ये कम्प्लीटली इसकी डेकोरेशन मैंने कर लिया है। अभी ब्लाउज है, इसको साइड रखेंगे और मैंने ये पट्टी ले ली है। अब जो मैंने डिज़ाइन ट्रेंगल वाली बनाई थी उनको भी देखिए ले लिया है, और ये पट्टी के देखिए साइड से, एक साइड से आपको ये ट्रेंगल वाले डिज़ाइन को अटैच करना है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। इसी तरीके से बराबर रखते हुए पूरा अटैच कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने डिज़ाइन को स्टिच पे कर दिया है। अब इसको साइड रखेंगे और ब्लाउज लेंगे, और ब्लाउज के नीचे की साइड इसको डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर रखिएगा। अगर आप चाहें तो इस पर सिलाई लगा के इसको अटैच भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से मोती लगा के इसको स्टिच कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, सिलाई लगा देंगे तो और भी मजबूती रहेगी। तो मैं देखिए डायरेक्टली इसमें मोती लगा दे रही हूँ। इस तरीके से पूरा इसको देखिए मैंने बना दिया है। अब ये डिज़ाइन है, इनके भी ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से मोतियों से डेकोरेट कर लेंगे। ऐसे मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरी ब्लाउज को डेकोरेट कर दिया है। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जो ऐसा ब्यूटीफुल सिंपल आपको आसान तरीके समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।